तो दोस्तों इसी तरह से मुझे बैठना पड़ रहा है यहाँ पे, देख सकते आप क्या करें। इसी तरह से यहाँ पे मुझे 2 घंटा बैठना पड़ेगा इसकी सीमा में, देख सकते आप। तरबूज खाइए दोस्तों, मजा करिए, पूरा शरीर मेरा 2-3 दिन आ चुके एनर्जी में रहता है। oh, no! और देखो कहाँ पे खड़ा हूँ। बजरी है दोस्तों यहाँ पे, और हम यहाँ पे 1-2 मकान बनेंगे, इसीलिए इंटे। और हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग पे। कैसे हो आप सभी, आई होप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों अभी आया हूँ इस टीले के ऊपर व्लॉग की अपलोडिंग करने के लिए, और आप स्क्रीन पे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरह से होता है अपलोडिंग। और पिछले व्लॉग का दूसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, और 2 दिनों में मुझे अपलोड करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नेट कम मिलता है मेरे को, और एक व्लॉग में कम से कम 3 GB चाहिए, तो इसलिए 2 दिन लग रहे हैं व्लॉग अपलोडिंग होने में, नेट ही कम मिल रहा है दोस्तों। इतना बड़ा रिचार्ज नहीं करवाते हैं, दिन में 2 GB मिलता है, और इसी कारण दोस्तों व्लॉग डेली नहीं आ पा रहा है। आपको इन दिनों में अच्छी भी क्वालिटी मिल रही होगी वीडियो की, तो फुल HD में अपलोडिंग करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये कुटिया, कुटिया का काम बनता है फिलहाल, कुटिया काम होगा कंप्लीट आपको दिखाऊंगा, छत बनानी बाकी, अब छत बनाएंगे सिर्फ, तो दिखाएंगे आपको आज के ब्लॉग में या इसी से अगले ब्लॉग में। इसी तरह से यहाँ पे मुझे 2 घंटा बैठना पड़ेगा इसकी सीमा में, देख सकते आप। यह है वो जाल कंकड़ा, इसी की लकड़ियाँ दी हुई है कुटिया में। तो दोस्तों इसी तरह से मुझे बैठना पड़ रहा है यहाँ पे, देख सकते आप क्या करें, इसी तरह से व्लॉग अपलोडिंग करना पड़ता है, क्या कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए कुटिया बनाई है यहाँ पे। तो और देखेंगे दोस्तों व्लॉग में क्या होगा, क्या दिखाऊंगा आपको, बने रहो व्लॉग में एंड तक, और व्लॉग को लाइक कर दीजिए, बिना कहे लाइक नहीं करते हो व्लॉग को, तो बिना कहे आप कर दिया करो, तो फिर जाएंगे डाणी व्लॉग अपलोड होते ही। A few moments later. तो व्लॉग अपलोड हो चुका है, और अभी जा रहा हूँ डाणी, मतलब घर है, तो मगर होते वहीं पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों तरबूज खाऊंगा अब डाणी जाकर, क्योंकि गर्मी बहुत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और अभी खा रहा हूँ तरबूज खाइए दोस्तों अभी। तो दोस्तों तरबूज खाना चाहिए, इसी हम 1500 उड़ा देते हैं, एनर्जी ठीक रहता है पूरे दिन शरीर। जैसे देख सकते आप लालगिरी का 10 रुपये किलो मिलता है हमारे यहाँ। तरबूज खाइए दोस्तों, मजा करिए, पूरा शरीर मेरा 2-3 दिन आ चुके एनर्जी में रहता है तरबूज खाने से। खाइए आप भी खाइए, आप तो क्या खा सकते हैं। खैर अगर आप मेरे पास होते तो आपको सब्जी पहले देता, मैं बाद में खाता। ऐसा है दालगिरी का, गर्मियाँ बहुत है दोस्तों इसीलिए खा रहा हूँ। तो दोस्तों तरबूज खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तरबूज तो खा ही लिया है, और आप सोच रहे होंगे कि फैमिली वाले लोग कहाँ पे है, इस कुटिया में तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है, वहाँ पे रहते हैं फैमिली वाले लोग, इसीलिए व्लॉग में नहीं आ रहे हैं, और मैं लेना भी नहीं चाहता दोस्तों फैमिली वाले लोगों को। तो देखेंगे दोस्तों कुटिया का क्या काम करेंगे आज, मिलते हैं बाद में आपसे। A few moments later. तो अभी बच्चों की शाम की 6 है, और दोस्तों आज काम नहीं हुआ कुटिया का यार, बानी आता ही नहीं आजकल, इसीलिए अकेले का मन नहीं कर रहा है,
और देखो कहाँ पे खड़ा हूँ। बजरी है दोस्तों यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक दो मकान बनेंगे, इसीलिए ईंटे और बजरी यहाँ पे है। ऐसा खेत का दृश्य है मेरे, देख सकते आप, ये देखो तोने के बोएंगे बाजरा मोट गवार ये सब, तो डेजर्टी खेत है ऐसा मान सकते हो आप। मेरी डाणी देखे तो ऐसा ही लगता है डेजर्टी खेत है, तो डेजर्टी है दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा। फैमिली में सब है दोस्तों, माता पिता भाई बहन नहीं है, सिर्फ चार भाई है। तो ऐसा नज़र है दोस्तों खेत का। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहाँ तक ही रखते हैं, अगर आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ओके।